जब सर पानी लागल नल जल तब से एको चिरुआ पानी नहीं खे आई वार्ड सदस्य नाम भी निकाले पता वार्ड सदस्य तो ये जने का बनी वार्ड सदस्य विदेश के थोड़े बनी ये जने आवे नहीं घूमे नहीं बोलते हैं कि तुम लोग मुझे वोट ही नहीं दिए लोग तुम लोगों का काम क्यों करे तो वार्ड तो आते हैं देखते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं बस मुखिया बन गए 5 साल अपने घर पर बैठे हैं मुंह दे देगा काम कर ले जी नमस्कार हम राजा और आप लोग देख रहे हैं झलको चंपारण अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब न करे तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबाए आज मोतिहारी जिला के अरेरा जनमंडल से कोटवा पंचायत वार्ड नंबर 13 वाजपेयी टोला से नल जल के घोटाला के न्यूज सामने आ रहा लेकिन सबसे पहले जनता से बात हुई कि जनता के क्या परेशानी और आगे बात हुई ये वाजपेयी टोला के 13 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य अगर सरकार की तरफ से फंडिंग बात तो फिर घोटाला का है 2021 के चुनावी यात्रा जो उनकी बिहार में चालू हुई थी चुनावी यात्रा के दौरान कोटवा पंचायत के 13 नंबर वार्ड में चुनाव यात्रा जो उनकी झलको चंपारण के चलते यहाँ पर बात हुई जनता लोग क्या समस्या बा जब सर पानी लागल नल जल तब से एको चिरुआ पानी नहीं खे आई कितना दिन पहले लागल नल जल अढ़ाई तीन साल हो अढ़ाई तीन साल से अभी नहीं मिल रहा पाइप वैसा ही दिखत है खाली इंतजार पाइप डाले के काम बड़ा जोर शोर से हो रहा है वही टंकी वगैरह लागल पाइप ने चारों वार्ड में चारों तरफ बीच गल यहाँ के नल भी आके लगा देनी लेकिन पानी के टाइम में गायब हो गई पानी अब ना कोई पाइप होते उपाय करी कुछ करी तो ठीक है देखा जाए देखा जाए देखते देखते 3 साल बीत गए 3 महीना 2 महीना के बाद इलेक्शन आ जाए अब एक तो कोनो सुनवाई ना हुई आगे बिंदेश्वरी तिवारी नाम हमी को वार्ड के मुखिया के पास भी हम लोग कोई जैसे किसी चीज के लिए जाते हैं तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग वोट ही नहीं दिए सपोर्ट डेट वोट नहीं दिए हैं उनको लेकिन जब वार्ड काम नहीं करेगा तो मुखिया है तो आपको सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा ना जब वार्ड हम लोग का समस्या समाधान नहीं करेगा तब तो हम लोग मुखिया के पास जाएंगे जब मुखिया ही ऐसा बोलेगा तो बोलिए हम लोग कहाँ जाएंगे तो नल जल के समस्या को लेकर के आप मुखिया जी के पास गए गए थे हम लोग बोले थे हम लोग यहाँ वार्ड में हम लोग का नल नहीं आ रहा है तो बोलते हैं आप लोग घुसुक पूछ रहे हैं ठीक है जाइए देख लेते हैं अच्छा ये वाजपेयी टोला का नाम जो की है हाँ वो घुसुकपुरी रख दिए घुसुकपुरी का है नाम बदलाव किए हो अब उन्हीं को न पता है मतलब क्या छवि देख रहे हैं ये वाजपेयी टोला उनको कहने का मतलब है कि हम लोग हमको यहाँ से वोटे नहीं मिला 13 नंबर वार्ड से हमको वोटे नहीं मिला है हम के वैसे हम अपना जो भी करना है हम करेंगे नहीं करेंगे सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट नहीं दे तो उस आदमी को राशन नहीं मिल रहा है क्या मिल रहा है लेकिन उनको अब दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग क्या पता है अब हम दोनों के पास शिकायत करेंगे वार्ड का प्रॉब्लम होगा तो मुखिया जी के पास जाएंगे मुखिया का प्रॉब्लम होगा तो उनसे ऊपर वाले के पास जाएंगे लेकिन वैसे कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो किसके पास जाएंगे हम लोग बताइए आप देखिए जैसे आप यहाँ पे अभी आए हैं ये नल जल देखने के लिए पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैसे मुखिया का भी काम है कि हमारे पंचायत में कहाँ कहाँ पानी पहुँचा कहाँ कहाँ मेरा वार्ड काम किया नहीं किया वो चीज़ उनको देखना चाहिए था आपके समझ में आ रहा है कि हम चले देख लेंगे उनके समझ में नहीं आ रहा तो आप नल जल के प्रॉब्लम को लेकर काहे नहीं आप लोग जाके ब्लॉक में भी एक बार दरखास्त दिया गया कहीं है कहीं कहीं वहाँ पर भी एक दरखास्त दिया गया है कहाँ दरखास्त दी है और राज ब्लॉक में अनुमंडल में तो तिवारी जी बोल रहे थे जो हम सूचित करते हैं लेकिन फिर भी कोई अभी सुनवाई नहीं हुआ है कितना दिन पहले दिया गया है दरखास्त लगभग 6-7 महीने पहले और अभी तक कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं है तो आपके गांव के पंचायत के मुखिया कौन है राम नरेश सिंह और ये बताइए मुख्यमंत्री योजना से अभी आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है हम लोगों का वही पेंशन वेंशन जो है बूढ़े लोग को 1-2 आदमी को मिलता है और कोई हम लोग को राशन वैसा है और कोई खास करके नहीं है मतलब कुछ योजना मिल रहा है हाँ कुछ मिल रहा है हाँ कुछ मिल रहा है नल जल सूखले सूखले बाहर जी हम ही मुखिया वैसे मुखिया यही सोच पर उतर के दान बड़े मुखिया खूब दान मुंह दे देगा काम कर ले मुंह देख के हाँ कोटवा पंचायत के 13 नंबर वार्ड का नल जल का जो कि है हाल बहुत बेहाल है लेकिन जनताओं की बात सुनते हुए इस समय जो कि हम वार्ड सदस्य जी के दरवाजे पे पहुंचे हैं उनसे भी कुछ बातें हो जाए कि हाँ उस समस्याएं की उत्पन्न हो रही है ये बताया जाए क्या नाम पड़ेगा आप भिंदेश्वर तिवारी तो ये नल जल का जो कि काम है उसमें आपको सुनने में आ रहा है वार्ड में कि कुछ लोग को पानी मिलता है और कुछ लोग शुरू से ही वंचित है सर कहे मतलब बात है कि जनता के भी इच्छुक में होके के चाहे हम कनेक्शन दे देनी घर घर तो मान के चलिए हम रात में सुत नहीं और कोनो विभाग अगर रोड में काम करता तो लोग के कॉल करे के चाहिए अब जैसे कि बिजली के पोल वाला आए मैंने पाइप में गाड़ दलक वो 2 महीने के बाद बनवानी अपना घर से ओकरा बाद में वेपर लाइट वाला आए वो गाड़ दलक तो वो बनवानी अब रोड क्रॉसिंग वाला पाइप दे के खींच दिल बा तो 2-4 हज़ार रुपये का मैं खर्चा बा व्यवस्था करते बनवा दे सबको पानी मिले लगी
कितना दिन पहले अपने के जो उनकी नल जल के काम चालू किए, मैंने कब अपने के पंचायत वार्ड में नल जल का 18-19 मम्मी की योजना मिला। अच्छा। 1500 महीना से चालू स्थिति में बा। अच्छा, और वो लोग बोल रहा है कि जब से मतलब चालू भेल बा तब से अभी तक पानी जो उनकी बा नल जल सर पानी गल बहुत है। उन से पूछम कि पाइप क्रॉसिंग वाला घी दिलक रोड वाला और पानी छाकार मारो तो हम अपने चौको पर बंद कर दिल बनी और पानी पोलम्बर के व्यवस्था में बैठा कर और कुलवा करके सही चुड़वा दी पानी फिर से हमारा एत से लेकर चौक पहले पानी बम्फर जा रहा वो नल जल के। और अपने के वार्ड में जैसे कि नल जल के काम में तो कुछ गड़बड़ी बा और का काम अभी तक अपने अपने वार्ड में कर चुके जी? तो हम अपना वो रीजन में तो 5 साल के रीजन में तो समझ ला कि वार्ड किरामानु रहे ना ये तो 5 साल में भैल बा जो मैं फर्स्ट टाइम में हम नल जल मिलल ना योजना हमारा वो करौनी और बाद में नली गली मिलल वो हम करा के फाइनल कर दिल बनी। कितना दिन में करके काम करा रहा बनी नल जल? मोटा मोटी हम अपने के एक हफ्ते के अंदर में सही कर दे। कुछ लोग मुखिया जी के भी लगा रहा बा कि मुखिया जी जो उनकी काम के जी ना आप देख लो मुखिया जी तो मेन खामा बाटे लो ये लोग का तो पैसा दे दिन वार्ड में जाने लो तो वार्ड के तो सब रिस्क पर बढ़ल बा तो ऐसे जनता जनार्दन तो सबको आ कोई के ना होवे तो मुखिया का घर घर ना घूमिए वो हमारे योजना दिला हम काम कर दिले बनी हमारा काम में कहीं शिकायत नहीं कर तनका से मान के चलो कि जहाँ 100 घर बा कहीं पाइप कहीं कट जाता ओकर के जोड़वा होता नहीं ऐसे ऐसे करके योजना चल रहा।